तो टेलीस्कोप एक ऑप्टिकल डिवाइस है, यानी ये भी लाइट पे ही काम करती है, और बहुत दूर किसी चीज को क्लियरली देखने के लिए हम टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। क्लियरली इन द सेंस में कह सकता हूं कि बहुत दूर कोई चीज है उसे पास हमें दिखा रहा है, जहां तक हम नॉर्मली किसी चीज को देख नहीं सकते। या ऐसा समझो कि हमारा जो जो फार पॉइंट है आई का वो इन्फिनिटी है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, यानी एक नॉर्मल आई अगर आंख में कोई खराबी नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है, तो पास से पास 25 सेंटीमीटर और दूर से दूर इन्फिनिटी तक हम देख सकते हैं। चाहेंगे तो हम बाहर निकल के चांद या सूरज देखेंगे, वो हमें क्लियरली विजिबल है, यानी कितनी भी दूर तक का दिखाई दे रहा है। लेकिन एक टॉपिक है जो नए सिलेबस से हटा दिया गया, रिजोल्विंग पावर के नाम से। आई की रिजोल्विंग पावर लिमिटेड है। रिजोल्विंग पावर का मतलब हुआ कि दो चीजों को सेपरेट देखना। मान लो तुम यहां कुछ लिख दें, हम छोटा छोटा दूर से देखोगे तो शायद वो पढ़ने में ना आए। क्यों नहीं पढ़ने में आएगा? क्योंकि वो जो दो अल्फाबेट है या जो लाइनें खींची हुई है वो सेपरेट नहीं विजिबल हो पा रही। दिख रही है, क्लियर चमक रहा, कुछ लिखा है, लेकिन पढ़ने में नहीं आ रहा। कारण, रिजोल्विंग पावर। ठीक है, तो बहुत दूर से हम किसी चीज को देखते हैं तो दो ऑब्जेक्ट एक से दिखाई देंगे। मतलब ऐसा समझो कि मैं दो मार्कर हाथ में लिए हुए खड़ा हूं, अभी तुम यहां से देख रहे हो, सकता है तुम्हें इनके बीच में एक गैप चमक रहा हो, पर जब बहुत दूर से देखोगे तो किसी आदमी को ऐसा लगेगा कि हाँ हाथ में कुछ एक चीज ले रखी है, उसे यह गैप विजिबल नहीं होगा, ये ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, इसमें मैं पूरी डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि सिलेबस में नहीं, तो पूरा टॉपिक था, लेकिन टॉपिक अगले चैप्टर में है। वो आता भी तो भी चैप्टर वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते रिजोल्विंग पावर के बारे में। तो रिजोल्विंग पावर की वजह से हमें विजिबिलिटी क्लियर नहीं आती, टेलीस्कोप उसे ही बढ़ा देता है। टेलीस्कोप से हम किसी चीज को देखेंगे बहुत दूर तो वो हमें रिजोल्विंग पावर बढ़ा रहा है, यानी वहां हमें दूर तक का क्लियर चमक रहा है। तो टेलीस्कोप का यूज है किसी बहुत दूर की चीज को क्लियरली देखने में। टेलीस्कोप दो टाइप के हैं, एक रिफ्रैक्टिंग और एक रिफ्लेक्टिंग। नाम से ही इनका शायद यूज क्लियर हो जाए। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप वो है जिसके अंदर लेंस का यूज करा जाएगा, यानी जिसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का मतलब जिसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन कब होगा, जब हम लेंस का यूज करेंगे। तो जो टेलीस्कोप लेंस की मदद से बनाया जा रहा है वो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, और जिसमें मिरर का इस्तेमाल करा जा रहा है वो रिफ्लेक्टिंग है। लेंस इसमें भी यूज होगा, आईपीस दोनों का लेंस ही रहेगा। ऑब्जेक्टिव इसमें लेंस है, इसमें ऑब्जेक्टिव मिरर है। ठीक है, यानी उसमें तो दोनों ही लेंस हो गए, इसमें एक लेंस एक मिरर है, तो मिरर का यूज होगा, वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अभी इनके भी टाइप है। रिफ्रैक्टिंग दो टाइप का होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और एक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप तो वो टेलीस्कोप है जो अर्थ से बाहर की किसी चीज को देखने के लिए इस्तेमाल करा जा रहा है, जैसे कि मून, सन, स्टार्स, इन्हें देखने के लिए टेलीस्कोप यूज करते हैं, वो कौन सा है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप अर्थ से अर्थ पे देखने के काम आता है, वो टेलीस्कोप जिसे हम अर्थ से अर्थ का देख रहे हैं, यानी मैं कह सकता हूं एक तरीके से दूरबीन हो गई। दूरबीन से क्या तुम चांद तारे थोड़े देखते हो, बहुत दूर का वो थोड़ा सा चमकेगा, पास है। ठीक है, तो वो क्या है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। अब अगर तुम में से किसी ने नहीं देखी हो, पिक्चर वगैरह देखते होगे, तो बाहुबली मूवी में वो देखते हैं बाहुबली को आते हुए, ठीक है, भल्लाल देव और उसके पिताजी। ठीक है, तो वो टेलीस्कोप कौन सा है, वो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है, क्योंकि वो अर्थ पे ही किसी दूसरे इंसान को क्या कर रहे हैं, उससे देख रहे हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कौन सा था, जो सुशांत सिंह राजपूत था, वो उसे इंटरेस्ट रखता था वो उसमें बाहर के प्लैनेट्स वगैरह में, है ना, तो उसके पास जो टेलीस्कोप है कौन सा है, एस्ट्रोनॉमिकल। यानी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अर्थ से बाहर देखने का काम आ रहा है, टेरेस्ट्रियल अर्थ से अर्थ पे। ये वाला हमारे सिलेबस में नहीं, ठीक है, तो एक टॉपिक तुम्हारा और बच गया, बस टेरेस्ट्रियल क्या है ये याद रख लो, इसकी डिटेल हमें नहीं पढ़नी। डिटेल में क्या आएगा सिलेबस में, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत ज्यादा बार एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पूछा गया है। ऐसा होता कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप कई बार चॉइस में भी आए,
कभी माइक्रोस्कोप दे दिया, कभी टेलीस्कोप दे दिया, दोनों मिला के काफी ज्यादा बार आ चुके हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। इसके अंदर क्या टाइप है? तो इसके टाइप्स नहीं है, मैं कहूंगा इसके एक तरीके से एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बहुत सारे हो सकते हैं, हमें उसमें से दो पढ़ने हैं जो सिलेबस में दिए हुए हैं, न्यूटोनियन, न्यूटोनियन टेलीस्कोप और कैसीग्रेन टेलीस्कोप। कैसीग्रेन, ये हो गया CASEGRAIN, कैसीग्रेन टेलीस्कोप, ठीक है। हमें कुल मिला के दो ये पढ़ने हैं, ये इजी हैं, इनमें ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, ये है ही नहीं सिलेबस में, बस ये रहेगा मेन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जिसपे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल भी, इनमें न्यूमेरिकल नहीं है। क्लियर हो रहा है? टाइप टेलीस्कोप दो टाइप का हो गया, एक रिफ्रैक्टिंग एक रिफ्लेक्टिंग। रिफ्रैक्टिंग वो जिसमें लेंस का इस्तेमाल करा गया, रिफ्लेक्टिंग वो जिसमें मिरर का इस्तेमाल करा गया। रिफ्रैक्टिंग के अंदर दो टाइप, टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल। टेरेस्ट्रियल अर्थ से अर्थ पे देखने के काम आ रहा है और एस्ट्रोनॉमिकल अर्थ से बाहर देखने के काम आ रहा है। इसमें आओगे रिफ्लेक्टिंग के अंदर दो एग्जाम्पल है इसके, न्यूटोनियन और कैसीग्रेन, इतना पढ़ना है, दो ये और एक ये। तो हम एक बार देख लो डेफिनेशन, टेलीस्कोप की डेफिनेशन है, टेलीस्कोप इज अ डिवाइस विच अनेबल अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर। टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप में रिफ्रैक्टिंग की डेफिनेशन है, दीज मेक यूज ऑफ लेंसेज टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर का ऑब्जेक्ट देखने के लिए लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके भी दो टाइप्स हो गए, एस्ट्रोनॉमिकल इट इज यूज टू सी हेवनली ऑब्जेक्ट लाइक सन स्टार एटसेट्रा, और टेरेस्ट्रियल की डेफिनेशन है इट इज यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। ये रिफ्लेक्टिंग है, दीज मेक यूज ऑफ कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर का इस्तेमाल करते हैं टू व्यू द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल न्यूटोनियन एंड कैसीग्रेन टेलीस्कोप। तो अब डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल को, किस चीज को? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो डेफिनेशन तो वही हो गई, कंस्ट्रक्शन, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दो लेंसेज से मिलकर बना है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंस माउंटेड कोएक्सियली एट द आउटर एज ऑफ टू स्लाइडिंग ट्यूब, दो ट्यूब ले लेंगे, स्लाइडिंग ट्यूब यानी दोनों लेंस के बीच की दूरी घटाई बढ़ाई जा सकती है। मैं उम्मीद करूंगा शायद दूरबीन सबने देख रखी हो, कभी तो मेले वेले में से खरीद कर लाई हो, तो काफी लो क्वालिटी की होती है लेकिन दूरबीन तो दूरबीन, तो उसकी भी लेंथ घटाई बढ़ाई जा सकती है ना, उसकी भी ट्यूब पे वो जो फिक्स है वो लेंथ घटाई बढ़ाई जा सकती है, और दो उसमें लेंस लगे होते हैं, हमारी आंख की साइड जो रहता है जिसमें हम झांकते हैं वो छोटे वाला होता है और दूसरी तरफ बड़ा रखते हैं, यानी माइक्रोस्कोप से उल्टा काम है। माइक्रोस्कोप में क्या था? ऑब्जेक्टिव छोटा था और आईपीस बड़ा था, यहां उल्टा है, आईपीस छोटा है और ऑब्जेक्टिव बड़ा है। ऑब्जेक्टिव है इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज फोकल लेंथ वाला कौन सा होगा? ऑब्जेक्टिव, उसका साइज भी बड़ा होगा। आईपीस ये कॉन्वेक्स लेंस है स्मॉल फोकल लेंथ का और इसका साइज भी क्या होगा? स्मॉल। बताना अगर किसी बच्चे को कोई डाउट लग रहा हो तो, कैसा भी माइक्रोस्कोप अगर समझ में आया तो यहां तक तो समझ सकते हो कि उसका उल्टा काम हो गया, कि ऑब्जेक्टिव आईपीस तो यहां भी है, ऑब्जेक्टिव आईपीस भी है वही सब, ऑब्जेक्ट की तरफ जो रखा गया वो ऑब्जेक्टिव और आंख के पास जो रखा गया वो आईपीस। इमेज फॉर्मेशन देखो कैसे करता है इसका यूज, तो हम केस पढ़ रहे हैं अभी जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगी, उस पर लीस्ट डिस्टेंस पे बनेगी तब का है, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, ठीक है। मैं दो लेंस बना लूं, ऑब्जेक्टिव बड़ा और आईपीस छोटा, ये ऑब्जेक्टिव हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, और इधर हम आईपीस बना दें। ऑब्जेक्टिव के सेंटर को बोल देंगे ओ, आईपीस के सेंटर को बोल देंगे ई, क्योंकि बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ रहे हैं हम, यानी बहुत दूर किसी ऑब्जेक्ट की हम इमेज देखने वाले हैं, तो बहुत दूर किसी रखे हुए ऑब्जेक्ट से जो लाइट आती है वो हमेशा कैसी इंसिडेंट होगी? पैरेलल,
इन्फिनिटी से कभी भी लाइट रेज आएंगी तो कैसी आएंगी? पैरल। तो हमने दो पैरल इंसिडेंट रे इस पे डाल दी, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां मिलनी चाहिए? फोकस, क्योंकि अगर ये फोकस पे मिलेंगी तो यहां इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, दो पैरेलल लाइट रेज आई, ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी निकल गई, ये वाली बेंड हो गई, तो यहां पे इमेज बन गई। जहां पे इमेज बनेगी ये फोकस होगा किसका? ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट कहां रखा है? इन्फिनिटी, उसकी इमेज कहां बनती है? फोकस पर। अब ये ऐसे एडजस्ट करना, क्योंकि ट्यूब पे लग रहे हैं, इसे पास ले आना, ऐसे एडजस्ट करना कि इसकी फोकस एफ ओ से उधर पहुंच जाए। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सा यहां से इसे मूव करवा लूं, आई पीस जो है मैं यहां बना लेता हूं, और आई पीस का फोकस यहां, यानी ये जो इमेज बनी है ये आई पीस के फोकस और आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जानी चाहिए। अब इसकी कैसी इमेज बना देगा आई पीस? वर्चुअल मैग्निफाइड। आई पीस तो वही काम करेगा जो पीछे कर रहा था, आई पीस एक सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा काम करता है, हर जगह लाइट रे आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो आई पीस के फोकस से जानी है, एक लाइट रे सेंटर से, थोड़ा सा और पास बना लेते हैं, ठीक है, आगे लाइट रेज क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, तो इन्हें पीछे एक्सटेंड करा लो, पीछे जहां मिलेंगी वहां क्या बन जाएगी? इमेज। ये इंसिडेंट रे हो गई एक, अरे दूसरी इंसिडेंट रे हो गई, मतलब रिफ्रैक्टेड रे। देखिए इमेज बन गई, ए डबल डैश बी डबल डैश में से, क्या तो यहाँ कहीं फाइनल इमेज बन गई। ये ए बी ऑब्जेक्ट है, खैर इस ऑब्जेक्ट का यहाँ कुछ काम नहीं है क्योंकि वो बहुत दूर रखा है, उससे हमें कुछ नहीं करना। ये ए डैश बी डैश इमेज, तो ये हो गया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का डायग्राम। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर पढ़नी है, तो यहां एक चीज ध्यान रखना, विजुअल एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। विजुअल एंगल बताया था क्या है? ऑब्जेक्ट जब 25 सेंटीमीटर दूर रखा हो तब जो इमेज बनती है, तब वो जो एंगल बनाता है तो उसे विजुअल एंगल बोलते हैं। अब तुम देख किस ऑब्जेक्ट को रहे हो? सन, स्टार, क्या वो 25 सेंटीमीटर दूर आ जाएंगे हमारे? नहीं, तो यहाँ विजुअल एंगल नहीं है, पर मैं अल्फा सिंबल लूंगा किसी और एंगल का, उसे विजुअल एंगल समझने की गलती मत करना। तो अल्फा एंगल वो है जो ऑब्जेक्ट ने हमारी आई पे बनाया, और जितना आई पे बनाएगा उतना ही कहाँ बनेगा? ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है और ये दूरी मैटर नहीं कर रही। और फाइनल इमेज आईपीस के सेंटर पे जो बना रही है वो एंगल है बीटा। कोई परेशानी? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है, और फाइनल इमेज आईपीस के सेंटर पे जो बना रहा है वो बीटा। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर वही रहेगी, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज, यानी बीटा, और ऑब्जेक्ट ने जो आई पे बनाया वो अल्फा। बीटा को टेन बीटा और अल्फा को टेन अल्फा लिख लेंगे। टेन बीटा इस ट्राइंगल में लगा दो। अच्छा, मैं डिस्टेंसेस भी डिनोट कर दूं, यहां से यहां तक की दूरी वी ओ है, ये यूओ हो गई इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पर रखा है ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्ट की इमेज वीओ, और वीओ ही किसके इक्वल भी है? एफओ, क्योंकि इमेज कहां बन रही है? फोकस। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। तो वीओ ही किसके इक्वल है? एफओ के इक्वल। ये दूरी क्या है? वीई यूई, ये वाला इसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आई पीस की, ये वाली डिस्टेंस क्या है? वी, जो केस हम लेके चल रहे हैं उसमें वी किसके बराबर मान रहे हैं? डी के इक्वल, ये एफ वी। क्लियर?
तो इसमें बस ये समझो वी ओ एफ ओ बराबर हो गए हमेशा के लिए, क्योंकि इमेज इन्फिनिटी से हमेशा फोकस पे बनने वाली है, ठीक है। तो टेन बीटा इस ट्राइंगल में लगाओ, परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन बेस ई बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश, और टेन टेन अल्फा, ये अल्फा एंगल है, इसका वर्टिकल अपोजिट ये अल्फा है, इस ट्राइंगल में टेन अल्फा लगाओ, ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश, ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कैंसिल हो गया, एम की वैल्यू आ गई ओ बी डैश अपॉन ई बी डैश, ओ बी डैश कितना है, ओ बी डैश वीओ लिख लो या एफ ओ लिख लो, तुम्हारी मर्जी, मैं एफ ओ लिख दू, प्लस का वैसे ही जाएगा, ई बी डैश कितना है यू ई, वो भी माइनस का, तो ये एम की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें यू ई ना दिया हो, तो फिर क्या देगा, वी ई देंगे, वी ई और एफ ई दोनों देंगे, ठीक है। तो रिलेशन निकाल लेते हैं, लेंस फॉर्मूला लगा दो, आई पीस पे लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो आई पीस पे अगर लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, यानी वन अपॉन एफ ई इक्वल टू वन अपॉन वी ई माइनस वन अपॉन यू ई, वन बाय एफ ई वी ई VE की वैल्यू D है, तो माइनस का D लिख दे, और माइनस का UE, माइनस का D माइनस माइनस का UE, वन अपॉन UE निकालना ही से दिल ले आओ, वन अपॉन FE प्लस वन अपॉन D, वन अपॉन UE, ये वैल्यू यहां पुट कर दो, तो M का आ गया माइनस FO, वन अपॉन UE को लिख दे वन अपॉन FE प्लस वन अपॉन डी, यहां डिनोमिनेटर से एफ ई कॉमन ले लो, एम इज इक्वल्स टू माइनस एफ ओ बाय एफ ई वन प्लस एफ ई बाय डी, ये फॉर्मूला मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का, ठीक है। कब, जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे फॉर्म होती है। ध्यान से इसे देखो, डायग्राम बना लो, कोई अगर दिक्कत लगती है तो मुझे बता। देखो नेक्स्ट केस, जब फाइनल इमेज कहां फॉर्म होगी, इंफिनिटी पे, तो यही डायग्राम जो हमने पीछे बनाया सेम यही डायग्राम बन जाएगा, लेकिन इसे ऐसे एडजस्ट करेंगे कि इसका फोकस और इस आईपीस का फोकस एक जगह आ जाए, दोनों लेंस का फोकस अगर एक जगह आ गया, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा उसकी इमेज बन गई फोकस पे, फिर फोकस पे दूसरा ऑब्जेक्ट रखा उसकी इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी, तो उसने इंफिनिटी ने फोकस पे बनाया, फिर ये दोनों फोकस एक जगह होते तो इसका फोकस इंफिनिटी पे मिल जाता, तो वीई की वैल्यू क्या लग देते फिर, इंफिनिटी, सारा केस सेम चल जाएगा, बिल्कुल सेम डायग्राम, बस ये लाइन लास्ट में पैरेलल दिखा दोगे, ठीक है, ये दोनों फोकस एक जगह दिखा दोगे, फॉर्मूले में भी कुछ खास अंतर नहीं, बस यहां पे D की जगह पे इन्फिनिटी रखा जाएगा, जो VE की वैल्यू D पुट हुई थी वो क्या पुट होगी, इन्फिनिटी, तो ये फॉर्मूला माइनस एफ ओ बाय एफ ई बचेगा, तो इन्फिनिटी वाले केस में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला एफ ओ बाय एफ ई, बस, ठीक है। और इस कंडीशन को बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होती है तो उसे कई बार ये भी ना लिख के कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी बन रही है, क्वेश्चन में ऐसा कह देंगे लेंस नॉर्मल एडजस्टमेंट में, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब फाइनल इमेज इन्फिनिटी, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन है, ए टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 50, टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है और आईपीस की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो है 25 सेंटीमीटर, टेलीस्कोप इज फोकस्ड ऑन डिस्टिंक्ट विजन ऑन स्केल ऑफ 200 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट जो कि 200 सेंटीमीटर दूर है उस पे टेलीस्कोप को फोकस कर दिया, क्वेश्चन यहां बिगड़ा है, क्योंकि हमने जो फॉर्मूले पढ़ रखे हैं वो फॉर्मूले हैं जब इमेज, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे,
टेलीस्कोप का कल जो डायग्राम बनवाया, कल जो फॉर्मूला प्रूफ करवाया, टेलीस्कोप की जनरल कंडीशन ये होती है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा रहता है, इन्फिनिटी, क्योंकि हमारे सिलेबस में हमने पढ़ा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, न्यूमेरिकल ये भी दे रखे हैं, तो दिक्कत यहाँ करी हुई है कि फॉर्मूला तो इन्फिनिटी वाला है और क्वेश्चन आ गया कौन सा 200 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखा है, तो तुम फॉर्मूला लगा रहे हो मैग्नीफाइंग पावर वाला, वो गलत बैठ रहा होगा, इसे कुछ कुछ माइक्रोस्कोप जैसा लेके चलना पड़ेगा क्वेश्चन को हमें। सेपरेशन निकालने के लिए तो वही फॉर्मूला वीओ प्लस यूई, तो वीओ और यूई निकाल लो पहले, तो यूओ है एफओ है, लेंस फॉर्मूला लगा दो ऑब्जेक्टिव पे और यहां से वीओ निकाल लो, एफओ की जगह 50, वीओ फाइंड करना है, यूओ -200, प्लस का हो गया इधर ले आओगे वापस से माइनस का, 1/50 -1/200, 1/VO की वैल्यू 200, ये हो गया 4 -1, तो VO हो गया 200/3, तो VO आ गया हमारे पास। एक निकालना UE, VE है FE है, UE निकल जाएगा, 1/FE इक्वल टू 1/VE -1/UE, FE 5, VE -25, UE निकालना, तो ये हो गया LCM 25, 5+1 -1/UE, UE की वैल्यू हो गई -25/6, L का फॉर्मूला VO प्लस मोड के अंदर UE, VO कितना है 200/3 प्लस UE कितना है 25/6, LCM आ गया 6, 3 × 6 ये हो गया 400 और ये हो गया 25, 425/6, कोई परेशानी देख लो अगर लग रही हो तो। L कितना हो गया इसे डिवाइड कर लो, 42.48, रिमाइंडर बचा 20, तो ये 370.83, ये लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप आ गई, यानी सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस आ गई। दूसरा, अगर मुझे मैग्निफिकेशन निकालना है तो मैं वो फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया हुआ है एफ ओ अपॉन एफ ई 1+D/FE/D वो यूज नहीं करूंगा, क्योंकि वो तब है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे दिया। अभी हम एम इक्वल्स टू एम ओ इंटू एम ई, जो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा था कि दोनों लेंस की मैग्निफिकेशन की प्रोडक्ट कर देते हैं तो भी मैग्नीफाइंग पावर के इक्वल आती है, तो एम ई और एम ओ निकाल लो। एम ई कैसे निकलेगा, वी ई बाय यू ई माइनस का, वी ई कितना नहीं माइनस का तो लेंस में नहीं आने का, वी बाय यू ई, तो वी ई है 25 माइनस का और यू ई है, यू ई कहाँ निकाला, -25/6, तो ये आ गया 6। एम ओ निकालो वी ओ बाय यू, वी ओ आया 200/3 और यू ओ है 200 माइनस का, तो ये हो गया -1/3। एम की वैल्यू एम ओ इंटू एम ई, एम ओ -1/3, एम ई 6, तो ये आंसर आ गया -2, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप आ गया -2। तो उस फॉर्मूला का इस्तेमाल यहाँ इसलिए नहीं करा क्योंकि वो तब यूज करना जब ऑब्जेक्ट सीधे सीधे दिया होगा, इन्फिनिटी पे देख रहे हैं तब। ए टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ दे रखी है, आईपीस की फोकल लेंथ दे रखी है और दिया है नॉर्मल एडजस्टमेंट में, नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब फाइनल इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी पे। क्या पूछा, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला -FO/FE, FO/FE ये तो -10 डायरेक्ट, ये गूगल पे से देखना पड़ा भाई। दूसरा पूछा लेंथ, तो लेंथ होगा FO+FE, क्योंकि जब फाइनल इमेज बनती है इन्फिनिटी पे तो पहली वाली इमेज आती है FO पे और दूसरी वाली फिर वो FE जितनी डिस्टेंस पे होगी, तो FO/FE जोड़ोगे तो इसका आंसर 50 और 5 55 आ जाएगा, दोनों आंसर खत्म। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफी और बिल्कुल सेम मिलता जुलता क्वेश्चन तुम्हें एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा, नए सिलेबस के हिसाब से जो नई बुक है उसमें भी ऐसा क्वेश्चन काफी सेम है, जाके ट्राई जरूर कर लेना, इसे समझ के चले जाओ।
क्वेश्चन ये कहता है ए स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 150 सेंटीमीटर। एक स्मॉल टेलीस्कोप है जिसकी फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की 150 सेंटीमीटर है और आईपीस की 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज टू व्यू अ 100 मीटर हाई टावर 3 किलोमीटर अवे। अब ये कंडीशन दी है इन्होंने। अब 3 किलोमीटर ऐसा भी नहीं जैसा पिछला क्वेश्चन लेके सॉल्व कर दें, क्योंकि 3 किलोमीटर नॉर्मल एफ और यू से एफ और वी से बहुत ज्यादा बैठ रहा, एंड लगभग कंसीडर तो ये क्या होगा कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा, बहुत दूर है 3 किलोमीटर अगर देखे तो टेलीस्कोप के हिसाब से। लेकिन इस 3 किलोमीटर की वैल्यू दी है तो यूज भी इन्फिनिटी नहीं ले सकते हम 3 किलोमीटर को। तो ऑब्जेक्ट दिया है कि जब ऑब्जेक्ट 3 किलोमीटर दूर है, कितनी हाइट 100 मीटर, उसे टेलीस्कोप से देख रहे हैं, यहां कहीं टेलीस्कोप रखा होगा तो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए टेलीस्कोप तो पॉइंट ही मान लिया जाएगा। तो ये मान लो इस ऑब्जेक्ट ने टेलीस्कोप पे अल्फा एंगल बनाया, तो क्या हम टेन अल्फा लगा सकते हैं? मुझे ये दे दिया है यूओ की वैल्यू 3 किलोमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 100 मीटर, टेन अल्फा लगा दें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस को ही मीटर में बदल लो 3000 मीटर, तो टेन अल्फा कितना आ गया 1/30। ये टेन अल्फा की वैल्यू आई। अगर मैं एक रफ सा डायग्राम टेलीस्कोप का दोबारा बनाऊं, टेलीस्कोप हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि जी पैरेलल लाइट आती है बहुत दूर से और वो आके ऐसे फोकस पे इमेज फॉर्म कर लेगी, फिर दूसरा लेंस रखा आगे, दूसरे लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, वो लाइट भेजेगा पीछे कहीं यहाँ बढ़ के इमेज फॉर्म। ठीक है, रफ आइडिया के लिए मैंने डायग्राम बना दिया। ये हाइट एच डैश और ये फाइनल हाइट एच डबल डैश, हमसे फाइनल वाली पूछी है, फाइंड द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज, जबकि वो 25 सेंटीमीटर दूर फॉर्म होगी, यानी वीई भी दे रखा है 25 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया वो अल्फा है, उस डायग्राम को मैं यहां नहीं ला सकता क्योंकि वो 3 किलोमीटर दूर है। मैं यहां कहीं दिखाऊंगा भी, तुम कहोगे कि भाई अगर मैंने ऐसे बना दिया तो ऊपर वाली लाइट कहां से आ रही है, ऑब्जेक्ट से नहीं आ रही। मैं अगर चलो ऐसे बना दूंगा तो फिर तुम कहोगे अल्फा यहां बनना चाहिए था ऊपर वाले उसमें, क्योंकि कंडीशन अलग अलग हो गई। ये डायग्राम इस पॉइंट पे बन रहा है, छोटा सा जरा सा टेलीस्कोप 3 किलोमीटर दूर के हिसाब से देख रहे हैं, तो दोनों डायग्राम को अलग अलग कंसिडर करके चलो। ठीक है, क्या कर दें अब हम इस, ये अल्फा है तो इधर भी क्या कर देंगे अल्फा, टेन अल्फा लगा दू, तो इधर टेन अल्फा लगाओगे तो एच डैश और ये डिस्टेंस क्या हो गई एफ ओ। देखिए रूम में तो नहीं चल रहा, टेन अल्फा का फॉर्मूला हो गया एच डैश अपॉन एफ ओ। ठीक है, इन्हें अगर इक्वल रख दे तो 1/30 की वैल्यू एच डैश और एफ ओ मुझे दे रखा है कितना है 150, तो यहां से क्या निकल गया एच डैश निकल गया 5 सेंटीमीटर के, पहली इमेज 5 सेंटीमीटर की बन रही है। मैंने क्या बताया था आईपीस कैसा काम करता है, एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, तो आईपीस ऐसे काम कर रहा है जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप रखा हो, यानी कि मैं इसका फॉर्मूला एम का 1/D/FE 25 सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला लगा दूं, एम ई 1/D/FE, डी 25 है, एफ ई कितना है 5, तो एम की वैल्यू क्या आ गई 6। ये टेलीस्कोप की आईपीस की मैग्नीफाइंग पावर आ गई। और एक कंडीशन बताई थी कि जब फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर दूर बनती है तो मैग्नीफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर सेम ही काम करेगी, तो एम ई को मैं एच डैश एच डबल डैश बाय एच डैश लिख सकता हूं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एम ई की वैल्यू 6 है, एच डबल डैश निकालना है और एच डैश दे रखा 5, तो एच डबल डैश कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये फाइनल इमेज बिल्कुल
सेम सा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, दोनों चीज अलग अलग पार्ट में, तीन पार्ट में दे रखा है, एक पार्ट में ये पूछ रखा है, एक पार्ट में ये पूछ रखा है, शायद एक पार्ट में कुछ और ऐसी दिया हो, देख लेना एक बार। इस क्वेश्चन ने पूछ रखा है, इन अ टेलीस्कोप द ऑब्जेक्टिव हैज लार्ज अपर्चर व्हाइल द आईपीस हैज अ स्मॉल अपर्चर। टेलीस्कोप के अंदर जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा लिया और आईपीस छोटा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को ज्यादा से ज्यादा लाइट कैप्चर करनी, ऑब्जेक्ट से जितनी ज्यादा लाइट रे जा सकती है उतनी क्लियर इमेज वो बना पाएगा, तो इतना बड़ा साइज का होगा उतना ठीक रहेगा। और आईपीस से लाइट हमारी आंख में आनी चाहिए, ठीक है, तो आईपीस हम लगभग किस साइज का ले रहे हैं, आई, क्योंकि जब मैं देखूं तो सारी लाइट रे ऐसे भी, मान लो कोई लाइट आके, इतना बड़ा आईपीस है, कोई लाइट आके माथे में टकराई, क्या फायदा, जो लाइट आंख में जाएगी वही तो किसी काम की होगी, उसमें ही तो इमेज देखने में फायदा होगा, तो आईपीस छोटा होगा तो सारी जितनी लाइट वो कैप्चर करी है उस ऑब्जेक्टिव ने वो सब कन्वर्ज करके कहां जाएगी, सीधे आंख पे, रेटिना पे, बढ़िया इमेज बनेगी, ठीक है। तो मेन पर्पज तो यही है, इसका कहोगे तो मैं एग्जैक्ट आंसर लिखवा दूंगा तुम्हें। अब दूसरे टेलीस्कोप आता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप वो जो मिरर की मदद से बन रहा है। पहला है न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, तो न्यूटन ने पहला रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप 1688 में बनाया था। इसके अंदर एक बहुत बड़ा कॉनकेव मिरर होता है बड़ी फोकल लेंथ का, और एक एज अ ऑब्जेक्टिव, जो मिरर है वो कांच का नहीं है, कॉपर और टिन का है, ठीक है, मिरर मतलब ग्लास का ना लेके उसके पीछे पॉलिश ना करके कॉपर टिन का ऐसा मटेरियल ले लिया जो लाइट रिफ्लेक्ट करे, लाइट रिफ्लेक्ट करेगा तो एज अ मिरर वो अपने आप काम करेगा। ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार इज इंसिडेंट ऑन द ऑब्जेक्टिव बिफोर द रेज आर फोकस्ड एट एफ। मैं डायग्राम बना दूं तभी समझा पाऊंगा। तो मेरे पास एक कॉनकेव मिरर हो गया बड़ा सा, कॉनकेव मिरर में पीछे पॉलिश करके नहीं दिखा रहा क्योंकि कॉपर टिन वाला मिरर है, तो मैंने ऐसे बना दिया कॉनकेव मिरर, लेंस मत समझ जाना इसे, कॉनकेव मिरर ऑफ कॉपर एंड टिन, ठीक, लाइट रेज इस पे आएंगी और आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन क्या होंगी, कन्वर्ज, ऐसे आएंगी जैसे कहां आ रही हूं फोकस पे, लेकिन इससे पहले कि वो फोकस पे आती रास्ते में ही ये क्या रख रखा है, प्लेन मिरर, ये लाइट रे टकरा के फोकस पे आके मिलती उससे पहले ही रास्ते में क्या रख रखा है, प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर इन लाइट रेज को क्या कर देगा, दोबारे से रिफ्लेक्ट करा देगा, ठीक है, फिर टकरा के इधर, ऐसे टकरा के इधर, यहां कहीं इमेज बनेगी उस ऑब्जेक्ट की जिसकी है, जिससे लाइट आ रही है, तो बहुत दूर कोई स्टार है जिस स्टार से पैरेलल लाइट रेज आई उस स्टार की छोटी सी इमेज यहां बना दी, तो स्टार दूर से हमारे पास आ गया लेकिन छोटा है, उसे बड़ा बना देखने के लिए क्या लगा लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस काम करेगा एज अ आई पीस, ये आई पीस, तो यहां से हम देख रहे होंगे, इधर से झांकेंगे तो हमें वो जो स्टार सामने है वो दिखाई देगा पास, ठीक, बस इसका तुम्हें डायग्राम और ये जो थ्योरी यहां लिख रही है वो याद रखनी है। तो ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार इज इंसिडेंट ऑन द ऑब्जेक्टिव बिफोर द रेज आर फोकस्ड एट एफ। ए प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट 45 डिग्री इंटरसेप्ट देम एंड टर्न देम टुवर्ड एन आईपीस एडजस्टेड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इससे पहले कि वो लाइट रे टकरा के फोकस पे मिलती रास्ते में एक प्लेन मिरर रख दिया जिसने उस लाइट को कहां भेज दिया, कॉन्वेक्स लेंस की तरफ, एक आईपीस की तरफ, जो कि इसकी एक्सिस के कैसा रखा था, परपेंडिकुलर, ठीक है। दे आई द आईपीस फॉर्म एन हाईली मैग्निफाइड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट की एक इमेज तो यहां बनी और ये आईपीस फिर इसकी कैसी इमेज बना देगा, बड़ी बड़ी मैग्निफाइड और वर्चुअल, उसे हम देख लेंगे, क्लियर है, बस इतना इसमें याद रखना है तुम्हें, ज्यादा नहीं, डायग्राम और ये लैंग्वेज। ऐसे ही दूसरा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, यह है कैसीग्रेन, कैसीग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉनकेव मिरर हैविंग अ होल एट इट सेंटर। अब की बार एक मिरर लेना है कॉनकेव, लेकिन कॉनकेव मिरर ऐसा लेना है जिसके सेंटर पे क्या है, होल, छेद है, लाइट रे आएगी दूर किसी स्टार से और वो लाइट रे आके फोकस पे मिलती, इससे पहले कि वो फोकस पे मिल पाती रस्ते में क्या रख दिया, एक कॉन्वेक्स मिरर, क्या रख दिया, एक
ये कॉन्वेक्स मिरर इस लाइट रे को वापस इधर रिफ्लेक्ट करा देगा और ये यहां कहीं कट के इमेज बना देगी। आगे आई वो रख दो आईपीस कॉन्वेक्स लेंस जहां से हम देख लेंगे। तो इस आईपीस से देखोगे तो ये इमेज हमें बड़ी चमक जाएगी। कौन सी? वो जो स्टार की इस मिरर ने और इस मिरर ने मिलके यहां बनाई है, उस इमेज को ये आईपीस के थ्रू हम बड़ा करके देख सकते हैं। तो इसमें हमें उधर ही देखना जिधर स्टार है। न्यूटोनियन वाले में नीचे से देखते तो सामने का दिखता, ठीक है। तो देयर इज अ स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर नियर द फोकस, फोकस के पास एक मिरर रख रखा है। द आई पीस इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप नियर द होल। आई पीस को हमने कहा रखा होल के आसपास रख दिया कहीं। द पैरेलल रेज फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार आर रिफ्लेक्टेड बाय द लार्ज कॉनकेव मिरर। लार्ज कॉनकेव मिरर पैरेलल रे को क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट करेगा। बिफोर दीज रेज कम टू फोकस दे आर रिफ्लेक्टेड बाय द स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर उन्हें फोकस पे मिलने से पहले ही दोबारा रिफ्लेक्ट कर देगा। एंड कन्वर्ज टू अ पॉइंट आई, आई पॉइंट पे होल के बाहर कहीं वो मिल जाएंगी, होल के आसपास। फाइनल इमेज जो है वो आई पीस के थ्रू देख ली जाएगी। तो इतनी छोरी पेपर में अगर लिखने को आई तो तुम जो डायग्राम बना रहे हो उसे बस लैंग्वेज में लिख के और आना है कि मिरर रखा उस पर लाइट आई फिर दोबारा फोकस में मिलने से पहले दूसरा मिरर। तो मैंने तुम्हें लिख के दे दी ताकि तुम उसे याद कर सको। इनमें इतना ज्यादा कुछ न्यूमेरिकल वगैरह का पोर्शन नहीं है, ना इनके कोई फॉर्मूले ऐसे मैग्नीफाइंग पावर वगैरह के। क्लियर? इसके कुछ यूजेस और दिए हुए, एडवांटेजेस। मतलब एक टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये पूछ सकते हैं तुमसे एक दो नंबर में कहीं कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की एडवांटेजेस बताओ क्या है इसके ऊपर रिफ्रैक्टिंग। मतलब ये जो आप ये पढ़ रहे हैं ये फायदे के हैं। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की एडवांटेजेस ज्यादा होती हैं रिफ्रैक्टिव के हिसाब से देखोगे। यानी जो लेंस वाले हमने पढ़े हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेरेस्ट्रियल, उससे ज्यादा फायदा इनमें। क्या फायदा है? एक तो ये वजन कम होता है इसका, मिरर का लेंस के मुकाबले वेट क्या है कम, क्योंकि लेंस एक सॉलिड मीडियम है पूरा, लेंस में कांच भरा हुआ है, लेंस भारी होगा मिरर हल्का, और वो भी टिन कॉपर का तो और भी हल्का, ठीक है। तो एक तो क्या हो गया ये लाइट वेट, दूसरा ये सस्ता पड़ता है बनाना लेंस के मुकाबले मिरर, क्या भी पड़ गया हमें सस्ता, तो ये क्या भी पड़ गया चीप भी है। तो एक एडवांटेज इसकी चीप है, दूसरा एडवांटेज इसकी लाइट वेट, तीसरी एडवांटेज हम ये कह सकते हैं कि लेंस के अंदर दो तरीके की समस्याएं आती हैं। क्रोमेटिक एब्रेशन बोलते हैं पर एक स्फेरिकल एब्रेशन बोलते हैं। स्फेरिकल एब्रेशन का मतलब है ब्लर। लेंस कई बार इमेज कैसी बनाता है? ब्लर बनाता, धुंधली इमेज बनाता है। मिरर में वो चीज कम है तो इसमें भी लेकिन कम। ऐसी क्रोमेटिक एब्रेशन, लेंस में जैसे लाइट दूसरे मीडियम में घुसी ग्लास में गई तो लाइट का क्या होगा? दूसरे मीडियम में जाने के बाद हो सकता है थोड़ा बहुत कलर चेंज हो जाए, तो क्रोमेटिक एब्रेशन आता है कि लेंस के बाद वो कई बार सेम कलर की इमेज नहीं बना रहा होता, मिरर में वो दिक्कत भी नहीं, ठीक है। तो पॉइंट्स लिखे हुए हैं नोट्स में देखोगे। ए कॉनकेव मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर हैज हाई गैदरिंग पावर एंड एब्जॉर्ब लेस अमाउंट ऑफ लाइट देन द लेस लेंस ऑफ लार्ज अपर्चर। एक तो कॉनकेव मिरर की गैदरिंग पावर ज्यादा है, ज्यादा लाइट रे को ले लेगा, दूसरा लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, टकरा के सारी रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसलिए जो इमेज बनेगी वो ब्राइट बनती है। इमेज की ब्राइटनेस क्या है? ज्यादा है, ज्यादा लाइट रेज इमेज तक पहुंच रही है। दूसरा, ड्यू टू लार्ज अपर्चर ऑफ मिरर द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हैज हाई रिजोल्विंग पावर। इन मिरर वालों की रिजोल्विंग पावर भी ज्यादा है। रिजोल्विंग पावर कल बता रहा था मैं, दो चीजों को अलग अलग देखने की पावर, कितनी दूर से भी मुझे वो दो सेपरेट चीज अलग अलग चमकेंगे, तो रिजोल्विंग पावर ज्यादा हो गई। तीसरा, एज द ऑब्जेक्टिव एज अ मिरर नॉट अ लेंस इट फॉर्म अ क्रोमेटिक, इट इज फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन। कलर का डिफेक्ट नहीं आएगा, क्रोमेटिक एब्रेशन से फ्री है क्योंकि लेंस नहीं मिरर लगाया है। दूसरा, स्फेरिकल एब्रेशन को भी कम कर देता है मिरर। इट कॉस्ट मच लेस टू कंस्ट्रक्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, खर्चा कम है, और ए लेंस ऑफ लार्ज अपर्चर इज वेरी हैवी। बड़ा लेंस भारी होगा, उसके मुकाबले मिरर काफी हल्का होता तो लाइट वेट। तो यहां इनमें छह एडवांटेजेस लिखी हुई हैं। पहला, ब्राइट इमेज बन रही है। दूसरा, रिजोल्विंग पावर ज्यादा। तीसरा, क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं है। चौथा, स्फेरिकल एब्रेशन नहीं है। पांचवा, वजन कम है। और छठा, चीप है, सस्ता है। तो
तो अब अगर सस्ता भी लिखा तो लैंग्वेज देख लो किस हिसाब से लिखी है। बहुत से बच्चे मैंने जब ये क्वेश्चन टेस्ट वगैरह में दिया वैसे ही लिख के आएंगे, फर्स्ट पॉइंट इट इज चीप, इट इज लाइट, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। द लेंस ऑफ लार्ज अपर्चर इज वेरी हैवी, ऑन द अदर हैंड मिरर इज इक्विवेलेंटली ऑप्टिकली क्वालिटी वेटलेस। अगर उसी क्वालिटी का हम मिरर लेके आते हैं तो उसका वजन बहुत कम होगा। दूसरा पॉइंट लिखा है इट कॉस्ट मच लेस टू कंस्ट्रक्ट द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इसको बनाने का खर्चा कम है किसके मुकाबले, रिफ्रैक्टिंग के मुकाबले। तो थोड़ा सा लैंग्वेज ठीक से लिख के आने की कोशिश करना अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो। 6 एडवांटेजेस है, ध्यान से देख लो।